Otherwise, अगर लोग हमें सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो उससे मुश्किल हो जाएगी वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिनको इम्प्रूव करने की जरूरत वो है हमारी शॉर्टकमिंग क्या है कहां पर हमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश नजर आ रही है दर्ड थिंग इज दट वी नीड टू अंडरस्टैंड वट आर द इन्स्टिगेशन

और जब तक हम अपनी हैबिट ऑफ एक्टिव लिसनिंग डेवलप नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी क्रिएट वो नहीं हो सकती है लिसनिंग so so इसमें एक मेजर डिफरेंस जो हमारे पास है और वो है तवज्जो का तो हवर एम्पथी इज बेसिकली रिक्वायर्ड जब हम दूसरों के दिए हुए फीडबैक को सुन रहे हैं तो उस एम्पथी में भी हम क्रिटिसिज्म को एक नजरअंदाज करते हुए बेहतर तौर तो यह जान पाएंगे कि लोग हमारे बारे में जो राय रख रहे हैं उस राय के मुताबिक हमें इंप्रूवमेंट अपनी वो कैसे करनी है अब एक लीडर जब डिफरेंट तरीकों से इंटरक्ट करता है अपने फॉलोअर्स के साथ तो उसको ये देखना होगा कि उसने इंटरेक्शन लोगों के साथ करने के कौन कौन से मवाके क्रिएट वो किए हैं फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कमेंट बॉक्स हो सकता है फॉर एग्जाम्पल एक ओपन डोर पॉलिसी हो सकती है इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इन साइट लर्निंग को डेवलप करने के लिए क्रिएट करें ताकि लोग हमारे साथ इंटरक्ट करने में हिचकाहट फील ना करें करेंड टू इंटरैक्ट विद एनदर इंपॉर्टेंट थिंग कैन बी वक्तन फॉर वक्तन हम उनके साथ वन टू वन इंटरेक्शन वन टू वन मीटिंग्स भी करें जिससे कि फेस टू फेस कन्फर से हमारी कम्युनिकेशन बेहतर तौर हो सकती है और याद रखिएगा कि फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन इज द रिचेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि अपनी शॉर्ट कमिंग्स को जानने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम लोगों के फीडबैक को जाने और फिर हम उनको मौाक भी प्रोवाइड करें ताकि वो ओपनली एंड कैंडिडली हमारे बारे में अपना फीडबैक वो दे सकें और ये सब इसलिए जरूरी होगा कि ताकि हम अपनी डेवलपमेंट That's the game. Thank you.